हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं अकोला में एज ए साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एज ए कोच प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, और वो उनका कहना रहता है बच्चों का कि मुझे ये जमेगा नहीं, मुझे ये स्टडी, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ जमती नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कभी कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, या कोई ट्वेल्थ में है, और उनको ये दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है, मुझे कोई समझ में आता नहीं है, लोग क्या बोलते हैं मेरे को समझ में आता नहीं है, मेरे को पढ़ाई समझ में नहीं आती, मेरे को पढ़ाई ख्याल में रहती नहीं है। और फिर समझो वो बच्चा गलती से हॉस्टल में है, तो फिर हॉस्टल के बच्चे बोलते चल सिगरेट ले ले, गांजा ले ले, तंबाकू ले ले, या फिर एक बोतल बियर की ले ले, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर वो भी ले लेता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको, और फिर उसका आदि बन जाता है, उसकी उसको नशा आ जा चल हो जाता है और उसको उसकी हैबिट लग जाती है। माँ बाप को चिंता रहती है कि भाई ये ऐसा बच्चा फेल क्यों हो रहा है, एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गए, तीन अटेम्प्ट हो गए, भाई कुछ प्यार का मामला है क्या, कोई कोई लड़की के चक्कर में आया हुआ है क्या, तो वैसा भी नहीं है। मगर ये पूरा जैसा उसको एपेथी हो जाती है, एपेथी मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ करता नहीं, कहीं आना जाना नहीं, नहाता नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, और कुछ किसी मिलता जुलता नहीं है, बस बोलता मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का हो सकता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, या फिर एक सिंपल स्किजोफ्रेनिया नाम का बीमारी, नाम की बीमारी है, वो भी ये हो सकता है, या बॉर्डरलाइन स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, या सिंपल स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, मतलब एक मानसिक बीमारी है। क्योंकि काफ़ी सारे लड़के ऐसे आते हैं कि 10वीं तक 11वीं तक अच्छा हो गया, अच्छे मार्क मिले, 11वीं तक अच्छे मार्क मिले, और 12वें फटाक से एकदम उसने कॉलेज में जाना ही बंद कर दिया, अब जाता ही नहीं वो कॉलेज में, समझता ही नहीं उसको कुछ भी, घर में बैठा रहता है। और फिर समस्या होती है कि भाई इसका दिमाग तो अच्छा है, इसकी बुद्धि अच्छी है, इंटेलिजेंस अच्छा है, वो ऐसा हुआ ही क्यों। तो इसमें यदि वो बीमारी है और वो हम डायग्नोज करते हैं सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसको दवा देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ उसका काउंसिलिंग, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, फिर हिप्नोथेरेपी, माँ बाप का काउंसिलिंग, घर के लोगों का काउंसिलिंग करना, बच्चे का काउंसिलिंग करना, और कुछ सिंपल थोड़ी मात्रा में दवाई देना, जिसकी जिससे कि वो बच्चा अच्छा हो सकता है और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है। आपके संपर्क में काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको ना हम पागल बोल सकते हैं, नाम अच्छा बोल सकते हैं, और वो ऐसे बॉर्डर लाइन रहते हैं। कभी कभी वो गुस्सा कर लेते हैं, फेंक फाक करेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, और फिर माँ बाप को प्रॉब्लम होता है कि करना क्या। आपके संपर्क में ऐसे लोग होंगे, आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जरूर ये वीडियो लोगों से शेयर कीजिएगा और उनको मदद करो, ताकि मेरा जो सपना है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, हमारे देश में मेंटल हेल्थ, सबको मानसिक स्वास्थ्य मिलना चाहिए और नशा मुक्ति पूरे इंडिया में होना चाहिए, ये सपना पूरा करने के लिए आपका हाथ बटाओ। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।